आज मैं आपको इस वीडियो में आइसक्रीम मैन क्लास 5 इंग्लिश एनसीईआरटी मेरीगोल्ड बुक वेरी फर्स्ट चैप्टर इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आइसक्रीम मैन। सबसे पहले मैं एक बार इसकी रीडिंग करूंगा, उसके बाद मैं आपको इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, ठीक है। When summer's in the city and breaks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Vanilla, chocolate, strawberry or chili things to drink. From bottles full of frosty fizz, green, orange, white or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. The way the children cluster round as thick as honeybees. तो ये तो हुआ इस पोयम की रीडिंग। अब मैं आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो आइए हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं आपके लिए। When summers in the city, जब क्या होता है सिटी में, सिटी माने होता है शहर, जब शहर में गर्मियां आती हैं, and bricks a blaze of heat, bricks माने होता है ईटा। तो ये जो ईटे होती हैं ये कैसी लगती हैं, जैसे कि आग की लपटें। ब्लेज ऑफ हीट का मतलब होता है ब्राइट फ्लेम या आग की लपटें। तो ये जो ईटें होती हैं ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं, कब, समर सीजन में। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार goes trundling down the street. तो इसमें क्या होता है, आइसक्रीम मैन उस टाइम आता है किसके साथ, विद हिज लिटिल कार्ट। लिटिल कार्ट का मतलब क्या है, ये आपने यहाँ पर देखा होगा, इसको बोला गया है लिटिल कार्ट। ये जो इसकी एक छोटी सी गाड़ी होती है जिसमें ये व्हील्स लगे रहते हैं, ये जो व्हील्स हैं ये पहिए होते हैं, इनको व्हील्स बोला जाता है। और व्हील्स पर जब ये कार्ट चलती है तो इसको बोलते हैं ट्रंडलिंग। गोस ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, तो ये गलियों में इन पहियों के ऊपर ये कार्ट आइसक्रीम मैन लेके जाता है। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, मतलब राउंड अम्ब्रेला के नीचे कौन है, आइसक्रीम मैन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इसका अम्ब्रेला है। तो बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला कौन है, आइसक्रीम मैन है, ये आइसक्रीम मैन है, ठीक है। तो बीनीथ का मतलब समझ में आया, नीचे किसके, अम्ब्रेला के। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट, मतलब जो आइसक्रीम मैन है वो अम्ब्रेला के नीचे खड़ा हुआ है और वो जो पूरा सीन है वो बहुत ही एक जॉयफुल साइट, बहुत अच्छा सा दिख रहा है। टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंड, और वो क्या कर रहा है, वो क्या करते हुए दिख रहा है, वो कोन्स सभी बच्चों ने खाए होंगे, समर्स में आपको पसंद आते हैं, इस तरीके का कोन होता है और वो उन कोन्स को भर रहा है। तो इसको, ये जो ऊपर जब आइसक्रीम लगाते हैं तो इसको बोलते हैं माउंड, ठीक है। टू सी हिम फिल द कोन विद माउंड्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट, किस तरह की आइसक्रीम, आइसक्रीम से कलर क्या है, ब्राउन और व्हाइट आइसक्रीम के माउंड से इन कोन्स को आइसक्रीम मैन फिल कर रहा है। कौन कौन से फ्लेवर है, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और उसके पास क्या है, कुछ ठंडी चीजें हैं पीने की, और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, और बॉटल्स हैं जो कि फ्रॉस्टी फिज है, मतलब ठंडी चिल्ड बॉटल्स हैं, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। किस किस कलर की है, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. तो ये क्या है, वो जो पोएट है ये सोचता है कि उसका जो कार्ट है, जो उसका डब्बा है आइसक्रीम का, जो ठेला है आइसक्रीम का, वो कैसा होता, काश एक फ्लावर बेड होता, ऑफ किस चीज का, रोजेज एंड स्वीट पीस, स्वीट पीस का। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, और बच्चे उस कार्ट के पास, जो उसका ठेला है उसके पास, इस तरीके से खड़े रहते हैं जैसे कि हनी बी, मधुमक्खियां किसी फ्लावर के पास खड़ी रहती हैं। तो ये था आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन आइसक्रीम मैन का। पोएट का नाम है रशेल फील्ड।
तो आइए अब हम इसके कुछ न्यू वर्ड्स को देखेंगे और फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो न्यू वर्ड्स हैं ब्लेज। ब्लेज मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लेज माने क्या होता है, ब्राइट फ्लेम और फायर। ट्रंडलिंग मैंने बताया था, जैसे कि वो जो कार्ट है वो जो व्हील्स पे चल रहा है इसको बोलते हैं मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रंडलिंग। माउंट्स मतलब हीप और पाइल, जैसे कि ये आइसक्रीम का कोन है और इसके ऊपर इस तरीके से ये माउंड होता है आइसक्रीम का, तो इसको बोलते हैं माउंड ऑफ आइसक्रीम। फ्रॉस्टी फिश का मतलब क्या होता है, चिल्ड ड्रिंक्स मेकिंग अ हिज और बबलिंग साउंड। सबने समर में क्या है, कोल्ड ड्रिंक पी है, तो जब हम उसकी बॉटल खोलते हैं तो एक फिस साउंड आती है, उसको बोलते हैं फ्रॉस्टी फिश। चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिजिंग या बबलिंग साउंड। क्लस्टर माने होता है गैदर्ड अराउंड, एक जगह इकट्ठा होना या ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, एक जैसी चीजों का होना। आइए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी रेडी हो जाएंगे। इन विच सीजन आइसक्रीम इज पॉपुलर, आप बताइए ये कितना इजी क्वेश्चन है। किस सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर होती है, विंटर में होती है या समर में? तो जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं आइसक्रीम जो पॉपुलर है वो समर सीजन में, तो आप क्या लिखेंगे, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर, आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा समर सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, कौन खुश होता है आइसक्रीम मैन को देख के, तो कौन खुश होता है, चिल्ड्रंस, तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन। ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन चिल्ड्रन फील्स जॉयफुल, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट। आइसक्रीम मैन के पास उसकी कार्ट में, उसके ठेले के अंदर कौन कौन से फ्लेवर थे, विच फ्लेवर ही इज हैविंग, तो ये मैंने आपको बताया था थ्री फ्लेवर्स थे, वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, तो ये आप यहां पर भी देख सकते हैं तीन फ्लेवर्स हैं, यहां पर लिखा हुआ है वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, दीज आर द थ्री फ्लेवर्स द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट आइसक्रीम मैन इज सेलिंग, ऐसी क्या दो चीजें हैं जो आइसक्रीम मैन बेच रहा है, तो टू थिंग्स दैट आइसक्रीम मैन इज सेलिंग इज, वन इज आइसक्रीम एंड अनदर वन इज फ्रॉस्टी फिश बॉटल्स, फ्रॉस्टी फिश बॉटल्स, और यू कैन राइट इट डाउन लाइक आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन इज, वॉट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड टू इन दी पोयम, जो आइसक्रीम कार्ट थी उसको पोएट ने किस चीज से कंपेयर किया है, तो आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड इन द पोयम विद फ्लावर ऑफ बेड, ये यहां पर आप देख सकते हैं। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस, तो आप लिख सकते हैं आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड टू इन दी पोयम विद फ्लावर ऑफ बेड्स। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे हम, इसमें हमने क्या क्या किया, पोयम रेसिटेशन की है, उसके बाद इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन किया, फिर हमने न्यू वर्ड्स किए और क्वेश्चन आंसर्स किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।